पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल और रेलवे सेटलमेंट नोटिफाइड एरिया कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में जिला व्यापारी संवाद सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम मौजूद रहे। इस अवसर पर सर्वप्रथम मौजूद सभी पदाधिकारियों के द्वारा मुख्य अतिथि जफर इस्लाम का फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया गया और रेलवे सेटलमेंट नोटिफाइड एरिया कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा अपनी समस्याएं जफर इस्लाम के सामने रखी गईं। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि जफर इस्लाम ने मंच से बोलते हुए रेलवे के द्वारा दुकान स्वामियों को नोटिस जारी करने के मामले में कहा कि बहुत जल्द सभी की समस्याओं का निस्तारण रेल मंत्री के द्वारा किया जाएगा और सभी की समस्याओं को ध्यान में रखकर रेल मंत्री से बातचीत की जा रही है। पूर्व राज्यसभा सांसद और राष्ट्र प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा कि सभी की समस्याओं का निस्तारण करना भाजपा का दायित्व है। इसका समाधान कैसे निकले? मैं डीआरएम साहब से मुलाकात की हॉलिडे इन होटल में, लेकिन जो चर्चा मुझे करनी थी मैंने की डीआरएम से और उनसे यही बहुत सख्ती से इस बात को कहा कि हमारी समस्या जो है ये हमारी समस्या है, हमारे से व्यापारियों की समस्या नहीं, हमारी समस्या है, हमारे पार्टी की समस्या है और हमारे सरकार की समस्या है और इसको हमको समाधान निकालना हमारा कर्तव्य है। और आपको मालूम है हम लोग अभी कर्तव्य सप्ताह मना रहे हैं पूरे 2 हफ्ते तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर। क्या होगा देखिए, समाधान के लिए कई चीज़ें जो है चर्चा कर रहे हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं डीआरएम से भी, माने मंत्री जी से भी, उन्होंने भी कुछ सुझाव मांगे हैं, इसलिए कि रेलवे की अपनी समस्या है, व्यापारी मंडल की अपनी समस्या है, व्यापारियों की अपनी समस्या और समस्या बिल्कुल सही है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी समस्याओं पे को केंद्रित करके बाकी रेलवे की समस्याओं को समझते हुए कुछ ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे आप लोगों के जिंदगी में कोई दिक्कतें चलेगी नहीं, आपकी आमदनी दिन दुगनी रात चौगनी हो, इसकी भी हम कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि आपको कोई भी तकलीफ ना हो, इसी की चिंता हम करते हैं। देखिए, मैं अकेले ये नहीं कह सकता कि मैं आपको गलत आश्वासन दे के चला जाऊँ। जब एक कोई बोलता है बैंकर, तो बैंकर की एक ही चीज होती है कि वो सच बोलता है, इसलिए झूठ उसको नहीं बोल सकता, पैसों से खेलता है, इसलिए जब उनकी हर बातें सही होती है। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि समस्या जटिल जरूर है, लेकिन मुझे पूरा आश्वासन है मंत्री जी से कि इसका समाधान निकालेंगे आप लोग के हित, और आप लोग के हित का ध्यान रखें। हमने कुछ उनको सुझाव के लोगों से मिले थे, हमने उनके कुछ बातें सुनी थी, उसके बेसिस पर सुझाव दिया। आज मैं मन से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग व्यापारी हैं, आपके दिल में भी अगर आपके आपको भी कोई ऐसा समस्या का कोई समाधान आपको लगता है जो आप लोग के हित को ध्यान रखते हुए हो और रेलवे के हित को भी ध्यान रखते हुए, तो आप जरूर मुझे दीजिएगा, इसलिए कि हमारा नाम निकालने वाले हैं। 2-3 बार मीटिंग हो चुकी है, फोन पर भी हमने चर्चा की है, उनका खुद से ही फोन आया मंत्री जी का। जब एक कैबिनेट मिनिस्टर अगर खुद से फोन करता है तो आप इस बात को मान के चलिए कि वो उसके संज्ञान में है और उसके बारे में चिंता कर रहा है। तो मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल निश्चित रहिए समाधान निकले, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। हमारे यहाँ के जो MLA हैं जितेश गुप्ता जी, उन्होंने सही कहा, फोन से बहाना पड़ा तो भी इसका समाधान निकाल लेंगे, मैं उसके बाद से बिल्कुल सहमत है।